सो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं पिक्रिक एसिड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एलेन कीनोट से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, और वाइवा में और रिटर्न में सब में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास ब्लू वाली एलेन है तो आप लाइन बाय लाइन उसको यहाँ से मिला के पढ़ें, साथ में बुक रखें। और अगर आपके पास रीअरेंज रेड वाली एलेन है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने रीअरेंज वाली से ही इसमें डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिक्रिक एसिड का पहले तो उसका कॉमन नेम ही पिक्रिक एसिड है, क्योंकि वो एसिड ग्रुप का मेडिसिन है और वो एक केमिकल है, केमिकल से बना हुआ है। और उसका फॉर्मूला जो है वो है HC6S2 होल में NO2 का होल थ्राइस होगा और फिर O, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मली याद कर लेना है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल है। अब बात करते हैं पिक्रिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स वो जो पेशेंट जो पिक्रिक एसिड का रहेगा उसका फिजिकल मेकअप कैसा रहेगा, वो दिखने में कैसा होगा जब वो पेशेंट आएगा आपके पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट रहेगा इट इज ऑफन रीस्टोरेटिव ऑफ अ वॉज्ड एंड वॉर्न आउट सिस्टम। वो पेशेंट का पूरा सिस्टम पूरा वॉर्न आउट होगा, मीन्स उसका कोई भी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, नर्वस सिस्टम ले लो, कुछ भी काम नहीं करेगा। मोस्टली जो है वो नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, नर्वस सिस्टम ही सारे सिस्टम पे रूल करता है, और नर्वस सिस्टम का प्रोस्टेशन ही इसमें हो जाता है, जिसके कारण बाकी सारे सिस्टम भी काम अच्छे से नहीं करते। वॉज्ड एंड वॉर्न आउट सिस्टम पूरा का पूरा बह चुका है, वो कुछ काम का नहीं रहा उसका कोई सिस्टम, ठीक है, मतलब वो लाचार हो चुका है ऐसा। अ फेयर पिक्चर ऑफ नर्वस प्रोस्टेशन, मतलब कि उसका पूरा नर्वस सिस्टम हो चुका है, उसका जितना भी नर्वस सिस्टम है नर्व वीक हो गया, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, मसल उसका काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और ब्रैकेट में कैलिफोस दिया हुआ है, कैलिफोस भी नर्वस का बहुत अच्छा मेडिसिन है। मेंटल जनरल, तो इसका मेंटल जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे दिया जाता है पिक्रिक एसिड? ब्रेन फैग में। ब्रेन फैग मतलब क्या होता है? ब्रेन फैग मतलब मेंटल फैटिग, मतलब दिमाग जो है वो ज्यादा काम करने की वजह से वो दिमाग जो है अब थक गया है, दिमाग थक गया है, इतना काम हो चुका है, ठीक है। ब्रेन फैग किसमें होता है? ऑफ लिटरली और बिजनेस पीपल, जो बिजनेस पीपल होते हैं, जो ज़्यादा बिजनेस करते हैं, जिनको कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है, जो हमेशा इधर उधर में बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर लिटरली पर्सन जो किताब पे किताब पढ़े जाते हैं, पूरा लाइब्रेरी खत्म कर देते हैं, ऐसे पर्सन, क्योंकि उनका मेंटल वर्क ज़्यादा है तो मेंटल फैटिग हो जाता है। स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट, मेंटल एग्जर्शन ओवर ऑन ब्रिंग्स ऑन हेडेक एंड कॉजेज बर्निंग अलोंग द स्पाइन। किसी भी तरह का एक्साइटमेंट हुआ, कोई बैड न्यूज़ सुने, कोई गुड न्यूज़ सुने, कोई हैप्पी हो गए, सैड हो गए, ये थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट माइंड का हुआ तो क्या हो जाता है, या फिर अगर मेंटल एग्जर्शन कर रहे हैं, मीन्स हम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं किसी चीज़ को, या ओवर वर्क कर रहे हैं, सब मेंटल ओवर वर्क कर रहे हैं, तो मेरा सर में दर्द होने लग गया। क्यों? क्योंकि हम माइंड को ज़्यादा ही काम करवा दिए, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा कि उसका स्पाइन जो है, पीछे का जो स्पाइन है उसमें पूरा बर्निंग सेंसेशन फील होगा, ठीक है, पूरा का पूरा स्पाइन। अब फिजिकल जनरल पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोग्रेसिव परनीशियस एनीमिया, न्यूरेस्थीनिया, ठीक है। न्यूरेस्थीनिया मतलब क्या होता है कि जब आपका फिजिकल और मेंटल दोनों एग्जर्शन हो चुका है, एग्जॉस्टन पूरा हो चुका है, मतलब आप बॉडी से भी थक चुके हैं, माइंड से भी थक चुके हैं, तो उसको न्यूरेस्थीनिया बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव परनीशियस एनीमिया, उसको एनीमिया हो गया, खून का कमी हो गया, परनीशियस एनीमिया हो चुका है उसको, प्रोग्रेसिव मतलब वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। और जितने भी सिम्टम्स होते हैं परनीशियस एनीमिया का, वो आप इसमें पढ़े होंगे पैथोलॉजी में और फिजियोलॉजी में, तो उससे आप रेफर कर सकते हैं। हेड के सिम्टम पे आते हैं, तो हेडेक, पिक्रिक एसिड हेडेक का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। हेडेक ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट हम लोग जैसे स्टूडेंट मान लें, जब थे स्टूडेंट हैं, मान लो हम लोग का कोई टीचर था, या जब हम लोग टीचर बनेंगे, या आप लोग टीचर बनिएगा जब आप लोग स्टूडेंट हैं, ये सब जो होते हैं जितने प्रोफेसर्स होते हैं हमारे, वो क्या होता है कि उनका माइंड जो है वो इतना ज़्यादा वर्क करता है, लोड लेता है, बच्चों को पढ़ाना है, सभी को एक्सप्लेन करना है, तो वो माइंड ज़्यादा काम कर जाता है, उसके कारण हेडेक हो जाता है। किनका? स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, मैंने जैसे अभी बोला, ओवरवर्क बिजनेसमैन जैसे मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। फ्रॉम ग्रीफ और डिप्रेसिंग इमोशंस, अब किसी को बहुत ज़्यादा खेद है किसी चीज़ का, अंदर से गिल्ट है, अंदर से वो खुश नहीं है, कोई चीज़ उसके साथ हुआ उसके कारण उसको लगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और उसका मलाल रह गया उसको, या कोई इमोशन था, किसी से प्यार करता था, उसको वो प्यार नहीं मिला, वो डिप्रेशन में चला गया, उसका प्यार का इमोशन डिप्रेस हो चुका है, या किसी कोई भी इमोशन सप्रे बहुत ज़्यादा खुश था बट कोई चीज़ हुआ उसके चलते वो दुखी हो गया, सप्रेस्ड इमोशन हो गया, उसके कारण उसको हेडेक पे, माइंड पे, इसका हेड पे वो सारा कन्वर्ट होकर उसको हेडेक हो जाता है, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स से। इन ऑक्सीपिटो सर्विकल रीजन, इसका की नोट क्या है कि कहाँ पे हेडेक होगा? ये पीछे का जो एरिया है ना, नेक का एरिया, नेक नेक का जो एरिया है वहाँ पे होगा। ऑक्सीपिटो सर्विकल, सर्विकल मतलब वो जो नेक का स्टार्टिंग है, ऑक्सीपिट मतलब कि पीछे का हेड का लास्ट वाला एरिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एनाटॉमी क्लियर नहीं है, तो बस आप ऑक्सीपिटो सर्विकल रीजन आप सर्च करके देख लीजिए, बुक में देख लीजिए एनाटॉमी का, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पीछे नेप ऑफ द नेक मतलब आपका गर्दन और गर्दन से थोड़ा ऊपर सर की तरफ, यही जो है वो ऑक्सीपिटो सर्विकल रीजन होता है, वहां पे दर्द होगा, यही दर्द वहीं पे दर्द होता है पिक्रिक एसिड का।
एट्रोम्यूरोसैलिशिया में भी वहाँ पे दर्द होता है। और एग्रेवेट कब होगा, वही जो मैंने बोला, थोड़ा सा भी चलने से हो जाएगा, और मेंटल एग्जॉशन, ज़्यादा दिमाग से काम करेगा, ज़्यादा याद करेगा, पढ़ेगा, ये सब कारण करने से उसका दर्द होगा, हेडेक होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सिम्टम, प्रियपिज्म विथ स्पाइनल डिजीज, स्पाइनल डिजीज हम लोग पीछे पड़े कि बर्निंग होता है हेडेक में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पाइनल डिजीज तो होगा ही, स्पाइन का प्रॉब्लम होगा उसका, रीढ़ का जो पीछे में स्पाइन जो होता है, पूरा पूरे स्पाइन जो है उसका प्रॉब्लम तो होगा, उसके साथ प्रियपिज्म हो जाएगा। प्रियपिज्म मतलब क्या होता है कि पीनिस का जो होता है लॉन्ग इरेक्शन रहता है, बहुत समय तक इरेक्शन रहेगा, प्रोलॉन्ग इरेक्शन, मतलब एक तरह से वो वाइग्रा का जो काम होता है वैसा वाला इरेक्शन बहुत देर तक रहेगा। तो इरेक्शन वायलेंट, अब ये जो इरेक्शन वो नॉर्मल है, वायलेंट, बहुत ज़्यादा वायलेंट होगा, अचानक से होगा, बहुत ज़्यादा वायलेंट, इतना ज़्यादा होगा कि नॉर्मल नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होगा, एकदम लगेगा कि फट जाएगा, ऐसा वॉयलेंट होगा, लॉन्ग लास्टिंग, नॉर्मल जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, ऐसा अगर हो रहा है। प्रोफ्यूज सेमिनल इमिशन, बहुत ज़्यादा जो है सीमेन है वो जो है एमिट हो चुका है। सेटाइरियसिस हो जा रहा है, सेटाइरियसिस मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो जा रहा है, ठीक है। और मेन में अगर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होता है तो सेटाइरियसिस बोलते हैं, फीमेल में एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग निम्फोमेनिया। बैक का सिम्टम है क्या, बर्निंग अलोंग स्पाइन, जो मैंने ऊपर में डिस्कस कर दिया, विद ग्रेट वीकनेस ऑफ स्पाइन एंड बैक, जो नर्वस प्रोस्ट्रेशन हो जा रहा है, मतलब स्पाइन का वीकनेस हो जा रहा है, फिर बैक का वीकनेस हो जा रहा है, पूरा स्पाइनल सिस्टम का वीकनेस हो जा रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है, नर्वस, क्योंकि वहाँ से नर्व कनेक्टेड है जो ऊपर में एक्सप्लेन कर दिया गया। सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्ड, जो कॉर्ड है पीछे का कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वहाँ हेडेक हो रहा है, ये सब हो रहा है रिपीटेड, तो वो कॉर्ड जो है सॉफ्ट हो जाता है। नर्वस सिस्टम क्या होगा, टायर्ड हैवी फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि उसको नर्वस प्रस्ट्रेशन हो चुका है तो उसको टायर्ड फीलिंग आएगा, ठीक है, कि भारी हो चुका है बॉडी, स्पेशली ऑफ लिम्स, उसको लगेगा कि पैर पूरा भारी हो गया, और एग्रावेशन और एग्जर्शन, चल नहीं पाएगा, चलेगा तो उसको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। वियरीनेस प्रोग्रेसिंग फ्रॉम अ स्लाइट फीलिंग ऑफ फैटिक ऑन मोशन टू कंप्लीट पैरालिसिस, उसको वियरीनेस होगा, प्रोग्रेसिंग फ्रॉम अ स्लाइट फीलिंग ऑफ फैटिक, तुरंत में उसको पूरा थकावट हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर थकान हुआ तो उसको ऐसा फीलिंग हो जाएगा, वेयरनेस हो गया कि वो उसको पूरा पैरालिसिस हो चुका है। और स्किन का सिम्टम क्या है कि स्मॉल बॉयल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में फोड़ा हो गया, छोटा छोटा फोड़ा हो गया है, बट नॉट स्पेशली इन द एक्सटर्नल ऑरिटरी कैनाल, ठीक है। एक्सटर्नल ऑरिटरी कैनाल में बॉयल्स बहुत कॉमन हो रहा है, मतलब कान के अंदर जो मिडिल ईयर में होता है वहाँ पे बॉयल्स हो जाता है, फुंसी फर्नकल हो जाता है, लेकिन वहाँ पे वो फुंसी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है बॉडी में, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में हो लेकिन एक्सटर्नल ऑरिटरी कैनाल में नहीं होगा, ठीक है। इसका मोडलिटी के बारे में बात करें तो एम्बुलेशन को कब अच्छा लगेगा, ठंडा हवा से अच्छा लगेगा और कोल्ड वाटर से अच्छा लगेगा। और एग्रावेशन बीमारी कब बढ़ जाएगा, जैसे हम लोग ऊपर पड़े थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम, लीस्ट मेंटल एग्जर्शन से प्रॉब्लम बढ़ेगा, मोशन से बढ़ेगा, स्टडी बहुत पढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, एग्जाम समय में जैसे पढ़ रहा है वो वेट वेदर से प्रॉब्लम होगा। और बाकी जो रिलेशन में कंपेयर मेडिसिन कंपेयर करने का दिया हुआ है वो आप इसके सारे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग सारे मेडिसिन जो दिए वो कंपेयर कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, सो कोई बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको पिक्रिक एसिड बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, तो यही था ओवरऑल पिक्रिक एसिड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।